अनारदाना, जीरा, अंडे है ये। शाबाश शाबाश चाचा, शाबाश। अंडा भी डाल दें जी, शाबाश माशाल्लाह जी। पहली बारी वेखे अंडा पा रहे हो? सुखी मेथी यार, चस्के आना लेने आज। फिर चेक करो, चेक करो। लो जी, गर्मा गर्म तेल में डाल दिया है कतलम्मा चाचा इशफाक ने। और जी तैयार हो गया है, व्यूअर चेक करो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू फूडी बिलाल। फूडी बिलाल आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि मेला हज़रत दाता अली हजवेड़ी जारी और सारी है, और आज मैं मौजूद हूँ दाता की नगरी में, जहाँ पर कह लें कि मुझे एक हलवाई नज़र आए हैं जो कि बड़े जोशो खरोश के साथ कतलम्मा बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज इनसे जाकर बात करेंगे और जानेंगे कि ये कैसे देसी जो पिज़्ज़ा होता है लाहौरी कह लेंगे, कतलम्मा रवायती जो लाहौरी कतलम्मा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। बताएंगे कैसे ये बनता है कतलम्मा, और अभी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, शुरू से एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा जी। व्यूवर्स, दाता की नगरी में मौजूद हूँ, अभी कतलम्मे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। मेरे साथ कारीगर मौजूद हैं, इशफाक अहमद, जो कि कारीगर हैं, जो कतलम्मा बनाकर दिखाएंगे आपको। शुरू से एंड तक कतलम्मा बनाते हुए आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह मज़ा आने वाला आज की वीडियो में जी। व्यूवर्स, इशफाक अहमद मेरे साथ मौजूद हैं, तो ये अभी ब्रेड जो है तैयार कर रहे हैं कतलम्मे की, तो आपको शुरू से एंड तक दिखा रहे हैं जी। इशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? कितनी देर से आप बना रहे हैं कतलम्मा? 40 साल हो गए ने जी, 40 साल से ये बना रहे हैं कतलम्मा। तो आप देखते जाएं, ब्रेड तैयार कर रहे हैं अभी। तो हर रूट्स पे ड्यूटी माशाल्लाह आपकी। ठीक है, ये मसाला ज़्यादा आपको दिखाते हैं जो इसमें डलता है। अभी ब्रेड तैयार कर रहे हैं, उतनी देर में आपको मसाले दिखाते हैं। साजी है, जरा ना दसो कि मसाले कड़े कड़े गए जी। सूखी मेथी है, जवाइन है, अनारदाना है, जीरा है, अंडे है, ये क्या है? अच्छा, दूरा मिर्च जिसे कहते हैं आप। ठीक है चाचा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ब्रेड तैयार कर रहे हैं कतलम्मे की। शाबाश शाबाश चाचा, शाबाश। चाचा जी, ये ब्रेड किससे बनती है जी? मैदे से सारी जी, मैदे से तैयार करता ब्रेड है। जैसा कि इन्होंने फैला लिया ब्रेड, इस पर अभी ये मसाला जार लगा के लाहौरी पिज़्ज़ा, देसी पिज़्ज़ा तैयार करेंगे, जो कि कह लेंगे लाहौर का रवायती कतलम्मा। ये अभी मटेरियल देखें तैयार शुदा, इस पर लगाएंगे ये जो मसाला जात आपको बताए थे, ये इसमें ऐड है सारे। ये क्या होता है ये जिसमें आप बनाते? बेसन होता है, बेसन में आप ये मिक्स करके बनाते हैं? अच्छा, रंग लाल जो कह लेंगे फूड कलर होता है वो आप ऐड कर दो। ठीक है, लो जी व्यूअर्स, कतलम्मा तैयार है। अभी इसको ये इसके ऊपर ये क्या डालेंगे अभी सर? ये क्या माश की दाल है? ठीक है, उबली माश की दाल जो भिगोई होती है, पानी में भिगो के रखते हैं आप इसको, तो वो तैयार करके इसके ऊपर सूखा धनिया ये अभी ऐड कर रहे हैं व्यूअर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं लाहौरी देसी पिज़्ज़ा तैयार है जी कतलम्मा। अंडा भी डाल दें जी, शाबाश माशाल्लाह जी। पहली बारी वेखे अंडा पा रहे हो, मतलब कि मज़ा आने वाला है बड़ा। जीरा डाल रहे हैं जी, इन्होंने अंडा भी ऐड कर दिया है एक इसके ऊपर। सुखी मेथी यार, चस्के आना लेने आज। फिर ठीक है, ठीक है, धूरा मिर्च डाल दी है। सारे इंग्रेडिएंट्स व्यूवर्स ये ऐड करते जा रहे हैं, देखते जाएं आप। चाचा इशफाक, अजवाइन,
लो जी तैयार हो चुका है कतलम्मा। अब चाचा जी इसके ऊपर कह लेंगे वो डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग करके ये ऑयल में डाल देंगे इसको। जी व्यूअर्स, इशफाक अहमद साहब अभी कतलम्मा तेल में डालने लगे हैं, थोड़ा डिजाइनिंग कर लिया, चेक करें कतलम्मा आप। लोहड़ी कतलम्मा माशाल्लाह चेक करो। जी व्यूअर चेक करो कतलम्मा ये अभी तेल में डालने लगे हैं। लोहोरी कतलम्मा तैयार हो रहा है, ऑयल में डाल दिया इन्होंने। कितनी देर में तैयार हो जाता है ये इशफाक सर? 5 मिनट में गरम तेल हो 5 मिनट में तैयार हो जाता है जी, चेक करो। चाचा इशफाक कितने किलो दे रहे हैं ये? 400 रुपये किलो है। कितने किलो की होती है ये ब्रेड? 2 किलो की होती है, ठीक है। लो जी लोहड़ी कतलम्मा तैयार हो चुका है। चेक करो गर्मा गर्म कतलम्मा, अभी टेस्ट भी करेंगे इशफाक अहमद का कतलम्मा, फिर आपको बताएंगे। लो जी व्यूअर्स एक हो रही है कतलम्मा तैयार करने लगे हैं। ये हमारे साथ मौजूद है ओनर है यहाँ के जी। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी क्या हाल चाल है? कितनी देर से चाचा जी आप लगा रहे हैं ये? 40 साल माशाल्लाह। जो भी उर्स आया तुम इतने हाजिर हो माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अपना नाम दसो साढ़े व्यूवर्स। मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर साहब व्यूवर्स हमारे साथ मौजूद हैं। कोई अगर ज्यारत के लिए आता है उर्स पे तो वो आपका कतलम्मा खाना चाहे तो एड्रेस बताएं जरा आप, लोकेशन कोई नज़दीक की। ये मेट्रो बस का आप कह लेंगे पुल क्रॉस करते ही ना व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके बिल्कुल सामने बैठते हैं, ठीक है। लोकेशन आप देख सकते हैं, पुल क्रॉस करते ही बिल्कुल सामने इनकी दुकान है सिकंदर साहब की, जो इशफाक चाचा ने दूसरा कतलम्मा तैयार कर लिया। जी चाचा जी तैयार है कतलम्मा? जी व्यूअर्स ये अभी डालने लगे हैं ऑयल में, चेक करें। चेक करो। लो जी गर्मा गर्म तेल में डाल दिया है कतलम्मा चाचा इशफाक ने। पांच मिनट में तैयार हो जाता है कतलम्मा जी, तैयार हो गया है। व्यूअर चेक करो कतलम्मा तैयार कर दिया है जी। चाचा जी तैयार है? ओके हो गई। व्यूअर चेक करो कतलम्मा आ चुका है। देसी पिज्जा भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। सिकंदर चाचा का कतलम्मा और इशफाक चाचा ने कतलम्मा जरा बनाया है, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है, फिर आपको भी रिकमेंड करता हूँ आप भी चक्कर लगाएं, हाजिरी लगे अगर हज़रत दाता अली जुवेरी रहमतुल्लाह के रोज़े पे तो यहाँ पे लाजमी आपने चक्कर लगा के इनका कतलम्मा खाए बगैर नहीं जाना। आप लोकेशन मैंने शेयर कर दी है आपके साथ, तो आपने टेस्ट करके बताता हूँ कैसा कतलम्मा है, फिर आपको रिकमेंड करता हूँ जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये पहला कतलम्मा देखा चाचा जिसमें अंडा भी डालते हैं आप, बेस्ट हो गया, बढ़िया काम है।
इतना ऑयली नहीं है, ठीक है, बेस्ट है। पहले के होता है ना ऑयली पतलम्मा, वो चीज़ नहीं है इसमें, इसको इजीली कोई भी खा सकता है। मैं अपने व्यूवर्स को रिकमेंड करूँगा, लाजमी चक्कर लगाना है यहाँ पे आपने, ठीक है, मेरे कहने पे। अभी फिलहाल इजाज़त दीजिए अपने होस्ट बिलाल को, इंशाल्लाह ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।